हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 10 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टडी करेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे सिंपल और इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको उनको लर्न करने में आसानी हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला जो हमारे पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर आपने जो चैप्टर के जो नोट्स हैं अगर वो वीडियो देखी होगी तो इसका आसानी से आपको नाम याद आ गया होगा। जी हाँ, मर्करी। सेकंड, नेम द मेटल विच कैन इजीली बी कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। सोडियम पोटेशियम, दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हैं इसमें। थर्ड है, विच मेटल इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिल्वर, उसके बाद क्योंकि बेस्ट पूछा है। और फोर्थ है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है? लेड। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन जो हमारा पेज नंबर 40 का है वो है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो हमने जब चैप्टर को स्टडी किया था तब भी हमने देखा था मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी मेटल्स की प्रॉपर्टी है। तो मैलिएबल क्या है? मेटल दैट कैन बी बीटन इन टू शीट्स, थिन शीट्स ऑन हैमरिंग, इसको हम मैलिएबल कह रहे हैं। डक्टाइल मीन्स इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स। नेक्स्ट हम पेज नंबर 46 पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव एंड इट इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो एज अ रिजल्ट फॉर्मिंग ऑक्साइड्स एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स। सो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन, नेम इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस। तो यहाँ पर जो है वाटर की रिएक्शंस हैं, हमने स्टडी किया था कि वाटर के साथ हर मेटल अलग तरह से रिएक्ट करता है, जिसमें फर्स्ट है आयरन इज रिएक्टिंग विद स्टीम। तो आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, वाटर का फॉर्म जो है स्टीम, और आयरन ऑक्साइड हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है। सेकेंड है कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। तो कैल्शियम और पोटेशियम जैसे आप देख रहे हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, उसी तरह से पोटेशियम भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। मीन्स दीज मेटल्स कैल्शियम एंड पोटेशियम एज वेल एज आयरन, दे आर रिएक्टिंग विथ वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट है, सैम्पल्स ऑफ फोर मेटल्स ए बी सी डी वर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वन बाय वन। ये आप टेबल देख रहे हैं, इस टेबल के अंदर हमारे पास फोर सॉल्यूशंस हैं, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। और हमारे पास फोर मेटल्स हैं, यहाँ पर मेटल्स हम देख रहे हैं ए बी सी और डी, फोर मेटल्स हैं। इसमें आयरन सल्फेट के साथ मेटल एक रिएक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब आयरन के साथ यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रहा, मीन्स मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। अब यहाँ पर क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है तो कॉपर के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब बी में हम देखें कि बी जो है वो आयरन को भी डिस्प्लेस कर रहा है, तो सॉरी यहाँ पर ए अगर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर रहा, आयरन के साथ अगर रिएक्शन नहीं हो रहा, मीन्स ए इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। और बी क्योंकि इसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, मींस बी इज रिएक्टिव देन आयरन। एंड सी, सी में अब आयरन के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, कॉपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, और जो है जिंक सल्फेट के साथ नो रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, जबकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो मींस सी जो है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से, कॉपर से और आयरन से। और डी को अगर हम देखें तो डी जो है वो ना आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, ना कॉपर को कर रहा है, ना जिंक को कर रहा है, और ना जो है सिल्वर को कर रहा है। तो मींस डी को अगर हम देखें तो डी सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है। उसके बाद सी, सी जो है तीन मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, सो देन कम्स सी। उसके बाद बी जो है वो कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा जिंक के साथ, मींस इट इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। और कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर रहा, अब आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, मींस इट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो बी जो है मे बी, इट मे बी एल्यूमिनियम। और ए जो है, ए
आयरन सल्फेट के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। तो अभी हमें टेबल दी हुई है, अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं। सो सबसे पहले वो कह रहा है कि विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बी जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है बिकॉज इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ आयरन सल्फेट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आयरन सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है। उसके बाद हमारा सेकंड है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो अगर हमने बी को ऐड किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस ड्यू टू विच द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स एंड अ रेड ब्राउन डेपोजिट ऑफ कॉपर विल बी फॉर्मड ऑन मेटल बी। अब थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है, दैट इज अरेंज द मेटल ए बी सी इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो अभी जैसे हमने देखा कि मेटल बी जो है इट इज द मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज इट डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल ए इज लेस रिएक्टिव बिकॉज इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। सी जो है वो स्टिल लेस है बिकॉज इट कैन डिस्प्लेस ओनली सिल्वर। एंड डी इज द लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज इट कैन नॉट डिस्प्लेस एनी मेटल फ्रॉम द सॉल्यूशन, जैसा कि अभी मैंने आपको टेबल में भी दिखाया था। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसमें है बी, देन ए, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल एंड राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद H2SO4। तो हमें पता है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई भी एसिड जब है एक्सेप्ट नाइट्रिक एसिड, सो व्हेन एसिड इज रिएक्टिंग विद एनी मेटल देन हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड और हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल और केमिकल रिएक्शन इसका है Fe+H2SO4 गिविंग FeSO4 एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। सो अगेन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट ग्रीनिश कलर ऑफ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स ग्रेजुअली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन मेटल इज डिपॉजिटेड। रिएक्शन भी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये रिएक्शन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं FeSO4 जिसका कि ग्रीन कलर है और ये जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और आयरन फॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 49 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम एंड शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट आर द आयंस व्हिच आर प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जैसे आप देख रहे हैं सोडियम के अंदर उसका एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक नंबर 11 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी है यहाँ पे 281। सो दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक को हमने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 286, तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन का है 26, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है 8, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी है 26। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसी तरह से मैग्नीशियम में आप देख पा रहे हैं मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमने उसको शो किया हुआ है। अब फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो सोडियम आयन फॉर्म हुआ और यहाँ पर अब Na2 है तो मीन्स हम यहाँ पर दो सोडियम आयन्स को शो करें। यहाँ पर आप देखिए 2 सोडियम आयन्स हैं और ये एक ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों सोडियम से ऑक्सीजन के पास जाके उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। सो ये Na2 स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म हो रहा है। तो एग्जाम में अगर आपसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो आप इस तरह से बनाएंगे। उसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर हम देखें तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को ट्रांसफर करके Mg+2 एंड O-2 फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है। और थर्ड पार्ट में सोडियम Na2O में जो आयंस प्रेजेंट है वो है Na+ एंड O-2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम एंड आयन ऑक्सीजन आयंस प्रेजेंट है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, व्हाट आर आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स।
सो आयोनिक कंपाउंड्स दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स, देर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयन्स, सो अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मेल्ट द आयोनिक कंपाउंड. सो ड्यू टू दीज आयोनिक कंपाउंड दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो इनके बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है ये आयनिक बॉन्ड है जो कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, जिसके कारण उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. नेक्स्ट पेज नंबर 53 पर हम देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मिनरल ओर एंड गैंग. सो मिनरल अ नेचुरल मटीरियल इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड एज मिनरल्स ओर. Those minerals from which the metals can be extracted conveniently and profitably. Third gang. अब जब ये आप answers लिखें तो ये दो word जो है, ये दो words का अपना एक meaning है ना, तो ये दो word जो है आपके question के answer को जो है prominent बनाता है या dominate कर देता है, तो जिससे आप जो है properly पूरे marks score कर सकते हैं. Third है हमारा gang. The unwanted impurities like sand, rocky materials, earth particles, limestones, etc. These are present in the ore which are known as gang. Now next question is name two metals which are found in nature in free state. तो हमें पता है gold और platinum. Third question, what chemical process is used for obtaining a metal from its oxide? तो कौन सा process हम use करें, that is the reduction process which is used for obtaining metal from its oxide. तो ये आप देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ, मींस यहाँ पर रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ कार्बन हो रहा है, तो यहाँ पर जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है. नाउ बिसाइड्स कार्बन, हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स. दीज डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर ऑक्साइड. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाले जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज में हायर अप होते हैं, तो ये नीचे वाले जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो कार्बन की जगह हम इन मेटल्स को भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल दे दिया आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, सो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है. नाउ गोल्ड इज मेटल और नॉन मेटल, गोल्ड इज मेटल एंड इज फाउंड फ्री इन नेचर. उसके बाद पेज नंबर 55 पर हमारे क्वेश्चन है, फर्स्ट मेटालिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद फॉलोइंग मेटल्स. अब यहाँ पर हमारे पास ये जिंक ऑक्साइड है, अगर इसको हमने हीट किया है इन मेटल्स के साथ, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के साथ, तो ये कह रहा है कि इन विच केस यू विल फाइंड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो मींस अ मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल. सो आउट ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर, मैग्नीशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, जिंक इज लेस रिएक्टिव, वेर एज कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव. सो द डिस्प्लेसमेंट विल टेक प्लेस एज फॉलोज, कि जिंक ऑक्साइड जो है, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव तो जिंक का डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे, उसी तरह से मैग्नीशियम तीनों में ही स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए मैग्नीशियम का यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है वो किसी के साथ भी यहाँ पर इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा. कॉपर का अगर हम देखें तो कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव या इट इज लेस रिएक्टिव देन जिंक एंड लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो यहाँ पर इनका डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ तो सेम कॉपर कॉपर है, तो नो रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. नेक्स्ट, वाई डू मेटल्स डू नॉट, विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजिली, दैट इज गोल्ड एंड प्लैटिनम. नाउ वॉट आर अलॉयज, अलॉयज दीज आर दी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, अ मेटल और अ नॉन मेटल, फॉर एग्जाम्पल ब्रॉन्ज विच इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. अब उसके बाद चैप्टर के एंड में हम देख रहे थे कुछ क्वेश्चन हैं, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ पर हमें दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर मेटल, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम मेटल, आयरन सल्फेट एंड सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर, और डी जो है वो है सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर मेटल. तो इसमें आंसर हमारा जो है डी आंसर है इसमें. फर्स्ट क्यों नहीं है, उसमें अगर हम देखें तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव तो वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर रहा. सेकेंड केस में भी जो है मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, थर्ड में आयरन इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, और फोर्थ में सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है. तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद होनी चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सूटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग, अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, ऑल दी अबव.
तो यहाँ पर जो है आयरन फ्राइंग पैन है, तो यहाँ पर हम इसमें जिंक की कोटिंग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आयरन ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो है अगर हम देखें इस आयरन ऑब्जेक्ट में हम ग्रीस अप्लाई नहीं कर सकते ही नहीं, अदरवाइज ये हमारे खाने के मटेरियल में आएगी। पेंट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि गर्म होने पर ये पेंट खराब होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम कोटिंग ऑफ जिंक जो है वो अप्लाई करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड इज सॉल्यूबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। अब वो कह रहा है कि कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म कर रहा है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है दैट इज एलिमेंट विल बी कैल्शियम। फोर्थ क्वेश्चन, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, जिंक हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है टिन से, इसीलिए हम जो है जिंक को यूज नहीं करते। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी बल्ब, अ वायर एंड अ स्विच, हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। भाई अभी हमें हैमर दे दिया, हथौड़ा दे दिया, बैटरी बल्ब, वायर्स और स्विच दे दिया, तो इनको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स में। असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। नाउ मेटल्स कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स विद द हैमर विदाउट ब्रेकिंग, सो नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटन विद द हैमर टू फॉर्म थिन शीट्स। नॉन मेटल्स ब्रेक इन टू पीसेज वेन हैमर्ड, मेटल्स दे आर मेलिएबल वाइल नॉन मेटल्स दे आर नॉन मेलिएबल। सो वेन मेटल्स आर कनेक्टेड टू अ सर्किट यूजिंग अ बैटरी बल्ब एंड वायर्स एंड स्विच, करंट पासिस थ्रू द सर्किट एंड द बल्ब विल ग्लो, वेर इज नॉन मेटल्स दे आर वेन कनेक्टेड टू द बल्ब डू नॉट लाइट अप एंड सो मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ बिकॉज ऑफ मेलिएबिलिटी मेटल्स कैन बी कास्टेड इन टू शीट्स, मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल केबल वायर्स। नाउ वॉट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव टू एग्जाम्पल्स। या जैसे हम देख रहे हैं सीबीएसई 11 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राइट केमिकल इक्वेशन टू शो एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्टिंग विद एसिड एज वेल एज बेस। सो मेटल्स विच शोज बोथ दी प्रॉपर्टीज, एसिड और बेसिक के साथ जो रिएक्ट कर रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स विच शोज बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है वो बेसिक बिहेव कर रहा है, और इस केस में क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये एसिडिक बिहेव कर रहा है। सो दीज ऑक्साइड्स विच आर बिहेविंग एसिडिक एज वेल एज बेसिक, यहाँ और फॉर्म क्या हो रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। सो सच ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। दो एग्जाम्पल पूछे इसने, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, दोनों रिएक्शन आप देख पा रहे हैं, दोनों के रिएक्शन सेम है। नेक्स्ट है, नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड टू मेटल्स विच विल नॉट। सो मेटल्स अबव द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, भाई रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने देखी थी उसमें हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो इसलिए वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम भी है, जिंक भी है, तो ये सारे मेटल्स जो हैं वो कोई से भी मेटल्स आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सोडियम और मैग्नीशियम भी ही लिखना है। सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, और जो बिलो रिया हाइड्रोजन है उसमें आ जाएगा आपका कॉपर, सिल्वर, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते। नाउ एट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल Mm, व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड, कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर कोई मेटल हम एम ले रहे हैं तो उसमें कैथोड जो है वो तो हमारा प्योर मेटल होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर लेते हैं, और एनोड जो है वो इम्प्योर कॉपर का होगा, और इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ये कॉपर हो गया हमारा इम्प्योर मेटल और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ पर हम ले सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैचुला एंड हीटेड, ही कलेक्टेड अ गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट एज शोन इन द फिगर। नाउ वॉट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन द ड्राई लिटमस पेपर, मॉइस्ट लिटमस पेपर एंड राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो अब यहाँ पर जो है ये डायग्राम एक बार हम देख लेते हैं। तो ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि स्पैचुला के हमने ऊपर हमने क्या लिया, सल्फा पाउडर लिया, उसको हीट किया और उसके ऊपर एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लिया है, तो यहाँ पर गैस बन रही है, वो गैस कौन सी है,
तो अब जैसा हमें पता है ड्राई लिटमस है, तो ड्राई लिटमस तो कोई भी उसमें एक्शन या कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर है तो इट विल बिकम रेड। क्यों रेड हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है ब्लू लिटमस है, क्योंकि यहाँ पर एसिड फॉर्म हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड है, इनिशियली सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म हुई है, और ये सल्फर जब हमने मॉइस्ट कर दिया, ठीक है, वाटर मीन्स आपका जो है पेपर मॉइस्ट करा है हमने, मॉइस्ट करना मीन्स उसमें हमने वाटर ऐड किया, तो वाटर ऐड करने पर ये सल्फर डाइऑक्साइड जो एसिड में कन्वर्ट हो गई, और एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। सो फर्स्ट इज पेंटिंग, सेकेंड इज गैल्वनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट, वॉट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड वेन नॉन मेटल्स कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। सो वेन नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें, ये हमें ध्यान रखना है, एसिडिक ऑक्साइड्स आर फॉर्म, एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड्स। जैसे आप देख रहे हैं सल्फर है, एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं यहाँ पर साथ में, तो सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, हाइड्रोजन जो है वो गैस है, वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर रहा है जो कि न्यूट्रल ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रीजन हमें देना है कि प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर दे आर यूज टू मेक ज्वेलरी, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम दे आर स्टोर्ड अंडर ऑयल, एल्यूमिनियम विच इज हाईली रिएक्टिव, यस इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स एंड कार्बोनेट एंड सल्फाइड, दे आर यूज टू कन्वर्ट इन टू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो जैसे फर्स्ट है प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर, दे आर यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दीज आर मेलिएबल एंड डक्टाइल एंड दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन। सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम दे आर वेरी रिएक्टिव एंड दे कैचेस फायर ईजिली वेन एक्सपोज टू एयर, सो ड्यू टू विच ऑफ देयर लो इग्निशन टेम्परेचर एंड हाई रिएक्टिविटी दीज मेटल्स। सेकेंड जो हमारा पॉइंट था कि दे आर स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल, और थर्ड है एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ नॉन रिएक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, दिस लेयर प्रिवेंट्स टू रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस, सो दैट इज वाई एल्यूमिनियम इज यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स। नाउ डी पार्ट, इट इज ईजियर टू रिड्यूस अ मेटल ऑक्साइड इन टू फ्री मेटल सिंस इट इज ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स देन फ्रॉम देयर कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स डायरेक्टली, देयरफॉर द कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू ऑक्साइड्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग द मेटल्स। नाउ यू मस्ट हैव सीन अ टार्निश्ड कॉपर वेसल्स बींग क्लीन विद लेमन और टैमरिंड जूस, एक्सप्लेन व्हाई दीज सार सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग। तो जैसा कि हम देखते हैं कि कॉपर वेसल्स या इनके ऊपर ग्रीन कलर की, जैसे जो है नोट्स में भी मैंने बताया था कि इनके ऊपर ग्रीन कलर की एक कोटिंग आ जाती है, और उस कोटिंग को हम लेमन या इमली के जूस से उसको हम साफ करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। सो द सार सब्सटेंसेस सच एज लेमन और टैमरिंड जूस कंटेन्स एसिड एंड दीज एसिड्स डिजॉल्व्स द कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड्स और बेसिक कॉपर कार्बोनेट प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द टार्निश्ड कॉपर वेसल्स एंड मेक देम शाइनिंग रेड ब्राउन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीबीएसई 2017 में भी आया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मेटल्स जो है वो बेसिक या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल्स एसिडिक न्यूट्रल होती हैं। मेटल्स जो है दे रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स, जबकि नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन with chlorine metals form chlorides and they are electrovalent and with chlorines non metals covalent compounds form kar rahe hain. fourth with hydrogen few metals form hydrides jabki jo non metals hain wo hydrogen ke sath many stable hydrides form karte hain jo ki covalent compounds hain. next question hamara hai, a man went door to door posing as a goldsmith, he promised to bring back the glitter of old and dull gold ornaments. An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him and he dipped in a particular solution. The bangles sparkled like new but their weight was reduced drastically. The lady was upset but after a futile argument the man beat a hasty repeat, can you play a detective to find out the nature of the solution. ये question कह रहा है कि एक आदमी जो है बहुरूपिया कहाँ गया, एक लेडी के घर पर गया और उसने कहा कि मैं आपके गोल्ड के ऑर्नामेंट्स को साफ कर दूंगा, तो लेडी उसकी बातों में आ गई और उसने वो गोल्ड जो है उसको दे दिया साफ करने के लिए अपनी चूड़ियाँ, और जब उसने साफ की तो चूड़ियाँ चमक तो गई लेकिन उनका वेट कम हो गया। तो अब हम ये देखते हैं कि उसका वेट कम कैसे हो गया।
सो आंसर इज द ऑनेस्ट गोल्ड स्मिथ डिप द गोल्ड बैंगल्स इन एक्वा रेजिया. अब ये एक्वा रेजिया क्या है? एक्वा रेजिया इज वन पार्ट ऑफ कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड थ्री पार्ट ऑफ कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय वॉल्यूम. तो ये एक्वारेजिया फॉर्म होता है. इसमें हम ये ले सकते हैं कि सपोज 1 ml हमने नाइट्रिक एसिड लिया, उसमें 3 ml हमने कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया, तो ये हमारा एक्वारेजिया फॉर्म हो गया. और एक्वारेजिया जो है दैट डिजॉल्व्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ गोल्ड फ्रॉम द गोल्ड बैंगल्स एंड हेंस रिड्यूस द वेट ड्रास्टिकली. सो द डिसऑनेस्ट गोल्ड स्मिथ कैन रिकवर द गोल्ड फ्रॉम एक्वारेजिया बाय अ सूटेबल ट्रीटमेंट, कि उस एक्वारेजिया से फिर से वो उसमें से गोल्ड निकाल सकता है. Now 16th and the last question, give reason why copper is used to make hot water tanks and not steel. Because copper is a better conductor of heat than steel. Second, copper does not corrode easily but steel corrodes. And third, copper does not react with water at any temperature whereas iron reacts with water on heating. So hope students, ये क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स आपको क्लियर होंगे. जो वीडियो मैंने एनसीईआरटी नोट्स की अपलोड की है, वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो इजीली आप खुद भी उनके आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले नोट्स की वीडियो देखें, उसके आंसर्स अपने आप सॉल्व करें और उसके बाद क्रॉस चेक करें कि कितने आंसर्स आपने करेक्ट किए. होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको हेल्प करेगी. और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प करें. और इस तरह से आप ये वीडियोस देखते रहें, अच्छे मार्क्स आप एग्जाम्स में लाएंगे डेफिनेटली. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.